कमला अपने पड़ोस की सबसे फेमस औरत थी, क्योंकि उसको दूसरों के घरों में झांकने के सिवा और कोई काम नहीं था। किसके घर में क्या चल रहा है किसी और को पता हो चाहे ना हो, लेकिन कमला को जरूर पता होता है। एक दिन सुबह के समय वो दुकान पर दूध लेने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र सुजाता के घर पर पड़ती है, जहाँ वो अपनी बहू को डांट रही होती है। सच बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसी निकलेगी। मुझे तो लगता था कि तू बहुत संस्कारी है, लेकिन तूने तो कुछ ही दिनों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। माँ जी, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। बहू रहने दे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने जो देखा जो सुना वो बिल्कुल सच था। आज के बाद मैं तुझ पर कभी किसी चीज के लिए भरोसा नहीं करूँगी। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, आप मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखिए ना। इसके बदले आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं आप दे सकती हैं। बहू बात यहाँ पर सजा देने की नहीं है, बात यहाँ पर भरोसा तोड़ने की है, जो कि तूने मेरा तोड़ा है। आने दे मेरे बेटे को, अभी मैं उससे भी बात करूँगी, उसे भी बताती हूँ। नहीं माँ जी, आपको जो बोलना है आप मुझे बोल दीजिए, लेकिन उन्हें कुछ भी मत बोलना। सुजाता और उसकी बहू रानी की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी कमला सुन रही होती है, जिसे सुनते ही उसके पेट में पानी उबलने लगता है और वो अपने आप से बोलती है, आज सुबह सुबह मैंने किसकी शक्ल देख ली थी। सुबह सुबह ही मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिली है। ये न्यूज तो मैं पूरे मोहल्ले में ऐसी फैलाऊंगी ना। लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि आखिर सुजाता की बहू ने ऐसा किया क्यों, जो सुजाता उस पर इतना गुस्सा कर रही है। लेकिन मुझे क्या करना, मरे दोनों सास बहू आपस में। मुझे तो मसालेदार खबर चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। चल कमला, लग जा अपने काम पर। कमला चोरी से दोनों की बातें सुनकर वहाँ से खिसक जाती है और थोड़े ही समय में ये सारी बातें मोहल्ले में फैला देती है। थोड़ी देर बाद जब सुजाता मोहल्ले में निकलती है तो लोगों को आपस में बात करते हुए देखती है, लेकिन उसे देखते ही सभी लोग चुप हो जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ देर बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो देखती है कि कमला एक चंपा नाम की औरत से बातें कर रही होती है। अरे बहन, तुम्हें पता है आज सुबह क्या हुआ? मैंने आज सुबह सुबह दोनों सास बहू को आपस में लड़ते हुए देखा। अच्छा, कौन थी वो औरत? हमारे मोहल्ले की थी क्या? हाँ बहन, थी तो अपने मोहल्ले की ही, जो देखने में तो बहुत ही सीधी लगती है और ऐसा लगता है कि दोनों सास बहू में बड़ा ही प्यार होगा, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है, जो कि मैंने आज सुबह सुबह देखी। जरा मुझे भी तो बताओ कि वो कौन सी औरत है जो सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। अरे मैं तो अपने मोहल्ले की सुजाता और उसकी बहू की बात कर रही हूँ। आज सुबह जब मैं दूध लेने के लिए जा रही थी ना, मैंने दोनों को आपस में लड़ते हुए देखा। सुजाता तो बहुत गुस्से में लग रही थी, मुझे लगता है उसकी बहू ने कोई बड़ा कांड किया है। ये क्या बोल रही हो बहन तुम, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो दोनों औरतें तो बहुत शरीफ हैं और वो कोई दिखावा नहीं करती हैं, बल्कि सच में दोनों सास बहू में बहुत प्यार है। अरे काहे का प्यार, अगर प्यार होता तो सुजाता अपनी बहू पर इतना चिल्ला थोड़ी रही होती। वो तो कह रही थी कि मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अब तू दोबारा कभी जिंदगी में इस घर में कदम मत रखियो। अब तुम ही बताओ, अपनी बहू को ऐसे कौन ही बोल सकता है? ऐसा तो जब ही होता होगा ना, जब बहू ने कुछ ऐसा किया होगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सच में आज के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और। सुजाता दूर खड़ी वहीं अपनी पड़ोसन की बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कमला के पास जाकर कहती है, कमला तेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। तुझे हमेशा हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत क्यों है? तू कभी कोई चीज सीधे सीधे नहीं बोल सकती है क्या? तू सुजाता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे अच्छे से पता है कि तू क्या बोल रही थी। ऐसे दूसरों के घरों की बातें सुनना क्या सही है? लेकिन सुजाता बहन, कमला बोल रही है कि तेरी बहू ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, जिसकी वजह से तू अपनी बहू को घर से निकालने की सोच रही है। ऐसा क्या कर दिया तेरी बहू ने? अरे बहन, मेरी बहू ने कुछ नहीं किया है। वो बस कल रात वो अपने घर का दरवाजा खोलकर सो गई थी, और तुम तो जानती हो कि आजकल कितनी चोरियां हो रही है। बस इसी वजह से मैं उसे सुना रही थी, बाकी मैंने उसे घर से निकालने की कोई बात नहीं बोली। इसका तो हमें पता ही है कि ये हर चीज पर बना चढ़ाकर बोलने की आदत है इसकी। सही कह रही हो बहन,
बिना बात के हर बार हम लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और अपना टाइम खराब कर देते हैं। चलो चलो सब अपने घर चलो, अपने काम धंधे पर लग जाओ। सुजाता और चंपा कमला को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इस पर कमला को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है। दिन बीतते हैं लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन अचानक से उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है जिससे पता चलता है कि चंपा के पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो भागते हुए चंपा के पास जाती है। चंपा बहन, अभी मेरे पास हॉस्पिटल से फोन आया था कि तुम्हारे पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए उन लोगों ने मेरे नंबर पर फोन किया। ये क्या कह रही हो बहन तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे पति से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये सब कैसे? बहन देख, वो सब तो मैं नहीं जानती, मुझे तो बस उस डॉक्टर ने ये बोला कि उनकी जान बचानी भी बहुत मुश्किल है, कहीं वो अपनी आखिरी सांस न ले ले, हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना चाहिए। कमला क्या हुआ, चंपा इतनी जोर से क्यों रो रही है? अरे सुजाता बहन, मेरे पास हॉस्पिटल से फोन आया था कि इसके पति हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं, वो एक बार इनसे मिलना चाहते हैं। मैं तो कब से बोल रही हूँ कि जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलो, यहाँ बैठकर रो रही है ये। कमला धीरज धरो, बेचारी वैसे ही रो रो कर बुरा हाल कर रही है और तुम और बातें बना चढ़ाकर बोलकर बेचारी को और परेशान कर रही हो। क्या डॉक्टर ने बोला है कि उसकी आखिरी सांसें चल रही है? डॉक्टर ने मुझे बोला था कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, जल्दी से हम लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए। सच में कमला, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे हालत नाजुक है, हमेशा बातों को बना चढ़ाकर बोलने वाली आदत कम कर दे अपनी। देख, मैं बात को कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इस बार तो मैंने सच सच ही बोला है। जल्दी चलो वरना कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। तुम कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ बोल रही हो, ये तो अस्पताल जाकर ही पता चल जाएगा, और अगर तुम झूठी निकली तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुजाता जल्दी से चंपा को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहां वो देखती है कि उसका पति आराम से बेड पर लेटा होता है। तभी सुजाता उससे बोलती है, भैया आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप सभी लोगों को यहाँ किसने बुला लिया? अरे मेरा तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा किसी अपने को बुला लो, तो मैंने चंपा को बुलवाया था, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों आ गए। सुनिए जी, आप ठीक तो है ना, आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि कमला कह रही थी कि आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने बोला है कि आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो, अरे डॉक्टर से तो मैंने ही फोन करवाया था, क्योंकि तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था। हाँ तो उन्होंने ही तो बताया है कि आपकी हालत बहुत नाजुक है, आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, अगर ऐसा होता तो क्या डॉक्टर जादू से कमला बहन को फोन लगा देता? अरे मैंने ही नंबर दिया था तभी तो फोन किया, और वैसे भी मैं कौन सा गजनी की तरह अपने हाथ पे पड़ोसियों का नाम लिख के घूमता हूँ जो उन्हें पता चल जाता। अरे तुम लोग भी ना कमला की बात क्यों मान जाते हो, उसे तो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है। चंपा के पति की बातें सुनकर सभी कमला को घूरने लगते हैं और उस दिन के बाद से कोई भी कमला की बड़ा चढ़ाकर बोलने वाली बातों में नहीं आता है, सभी बस अपने काम से काम रखते हैं। सुजाता ने अपने बेटे की कुछ ही दिनों पहले शादी की थी और सुजाता की बहू उसके बेटे की पसंद की थी जो साउथ इंडियन थी। अब सुजाता की ये साउथ इंडियन बहू रोज ही अपने हाथों का बना हुआ साउथ इंडियन खाना अपनी सास को दिया करती थी। एक रोज सुबह के समय सुजाता के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुजाता कहाँ है तू? अरे क्या खुशबू आ रही है तेरे घर से, लगता है आज कुछ अच्छा बना है। सुजाता क्या बना रही है तेरी साउथ इंडियन बहू? अरे क्या बताऊं विमला, जब से मेरी बहू आई है तब से बस एक से बढ़कर एक अच्छी से अच्छी डिश खाने को मिल रही है, कभी डोसा तो कभी इडली तो कभी सांभर। अरे अभी क्या बना रही है तेरी बहू, क्या खुशबू आ रही है। वैसे मुझे इन साउथ के लोगों के हाथों का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ हाँ रुक बहू, ओ बहू मेरे लिए इडली डोसा लेकर आ रही है, तो विमला के लिए भी लेती आई हो। अब कुछ ही देर में सुजाता की बहू तारा अपनी सास के साथ साथ विमला के लिए भी डोसा लेकर आती है जो कि दिल के शेप का होता है।
ये क्या बनाया है बहू ने? दिल के आकार का ढोसा। अरे तेरी बहू तो कलाकार है, ढोसा बनाना तो जानती ही है, साथ में इसका क्या आकार दिया है इसने। आखिर बहू किसकी है, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बहू तो 56 स्टाइल के ढोसा बनाती है। अरे सुजाता, ढोसा जितना टेस्टी है उतना देखने में भी मजेदार है। ऐसा कर, तू और बहू मिलकर एक ढोसे की दुकान लगा लो, मैं कह रही हूँ खूब चलेगी। इतना अच्छा टेस्ट तो चांदनी चौक के ढोसे में भी नहीं आता है। अरे नहीं नहीं, बहू को जो भी बनाना आता है वो घर में ही बनाए, घर वाले ही उसका आनंद ले। अभी बहू नई नई है, मुझे बहू को चौराहे या नुक्कड़ पर खड़ा करने का कोई शौक नहीं है। अरे तू भी क्या क्या बोलती है। अरे ये तो अच्छी बात है कि तेरी बहू के हाथों में हर तरह के ढोसा बनाने का हुनर है, और यही तेरी बहू का टैलेंट जब लोगों तक जाएगा तो मैं बता रही हूँ तेरी बहू फेमस हो जाएगी, मेरा मतलब उसकी दुकान फेमस हो जाएगी। सुजाता के कान में विमला इतनी सी बात डाल देती है। उसके बाद फिर क्या था, सुजाता भी पूरे दिन इसी बात के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जब देर शाम सुजाता का बेटा ऑफिस से आता है तो वो उदास होता है। बहू कपिल आ गया है, जरा उसे चाय पानी दे दे। कपिल तू ठीक तो है ना बेटा? नहीं माँ, क्या बोलूँ मैं आपको, ये बोलूँ कि मेरी कंपनी वालों ने मुझे काम से निकाल दिया, बस काम छूट गया इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, और कुछ नहीं। जी लीजिए पानी, अगर आपको ऑफिस बंद हो रहा है तो कहीं और मिल जाएगा काम, आप इतना सोच क्यों रहे हो? अरे काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं मिलेगी ना, तनख्वाह तो कम मिलेगी ना। मुझे वहाँ कई साल बीत गए तो ज्यादा पैसे मिलते थे, अब कहीं नई जगह जाऊँगा तो कम पैसे देंगे। हाँ ये तो है, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुजाता अपने बेटे कपिल को परेशान देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, और अब वो विमला की बातों पर और भी ज्यादा गौर करती है और अपने बेटे कपिल से कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे कुछ बात कहूँ काम को लेकर। हाँ माँ कहो, क्या कहना है आपको? मैं क्या कह रही थी कि बहू को 56 स्टाइल के ढोसा बनाना आता ही है, तो क्यों ना हम बहू के इस टैलेंट का फायदा उठाएं और तुम दोनों 56 स्टाइल ढोसा की एक दुकान लगा लो। माँ कहीं आप ढोसा का स्टॉल लगाने की तो नहीं सोच रही? वैसे माँ ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई साउथ इंडियन खाना नहीं मिलता और सबको पसंद भी है, और हमारी तारा एक से बढ़कर एक डोसा बनाना जानती है। लेकिन मुझे बहू को बाहर भेजना और डोसा इडली बिचवाना अच्छा नहीं लग रहा है। माँ मुझे पता है, इस काम के लिए तो तारा भी मना नहीं करेगी, और तारा के साथ मैं भी करूँगा। सुजाता और कपिल ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ तारा चाय लेकर आती है, और तारा भी अपने पति की बात सुनकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे दिमाग में ये बात काफी समय से चल रही है, लेकिन आज विमला काकी ने आपके दिमाग में ये बात डाली तो जाकर इस पर चर्चा हुई है। अरे तो देर किस बात की, कल से ही करते हैं, एक छोटी सी दुकान लेते हैं, 56 स्टाइल डोसे की दुकान के नाम से चलाएंगे। हाँ तो हम कल से अपना ये नया बिजनेस शुरू करते हैं। अगले दिन ही तारा और कपिल दोनों ही अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, एक छोटा सा स्टॉल लगा कर, और अपने उस छोटे से स्टॉल पर एक पोस्टर भी लगाते हैं जिसमें लिखा होता है साउथ इंडियन बहू का 56 स्टाइल डोसा। सुनिए जी, अभी तक तो जो भी लोग आए हैं ना, उन्होंने हमारे डोसे की तारीफ की है, बस आगे भी सब अच्छा हो। हाँ तारा, मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे ये काम चल रहा है आगे भी ऐसे ही चलता रहे। विमला को जब ये बात पता चलती है कि सुजाता की बहू ने डोसे का स्टॉल लगाया है तो वो तुरंत ही वहाँ आ धमकती है। अरे वाह वाह, क्या दुकान लगाई है सुजाता की बहू ने, और ग्राहक भी अच्छे खासे आए हुए हैं। अरे विमला काकी आप आइए आइए बैठिए, आपके लिए भी डोसा बना दूं, अब आई हैं तो खा कर ही जाइए। अरे बहू तेरी बहुत बहुत मेहरबानी, भूख तो बहुत तेज लगी थी मुझे, अब आई हूँ तो खा ही लेती हूँ। अरे विमला काकी आप खाइए, ये आपकी अपनी ही तो दुकान है। अब विमला वहाँ बैठी डोसे का आनंद ले रही होती है, लेकिन वो देखती है कि धीरे धीरे तारा के डोसे की दुकान पर भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ तो शादीशुदा लोग ज्यादा आ रहे हैं, बच्चों को ये डोसा पसंद होगा ना, और बहू भी तो तरह तरह का डोसा बनाना जानती है। विमला वहाँ से डोसा लेकर सुजाता के पास जाती है, और सुजाता भी हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। अरे विमला क्या बात है, कई दिनों से दर्शन नहीं हुए तेरे, कहाँ थी दो तीन दिन से? कहीं नहीं सुजाता, घर का काम तो तू जानती है कितना हो जाता है,
तूने तो अपने बेटे की शादी कर दी, मेरा बेटा तो अभी कुंवारा है, तो भला मेरे अलावा और कौन ही काम करेगा घर का। अच्छा ये भी है, मेरी बहू जब से आई है मुझे भी आराम मिला है। हाँ ये तो है। अरे तेरी बहू से याद आया, तेरी बहू की ढोसे की दुकान से आ रही हूँ। क्या दुकान चल रही है? बहुत बढ़िया है सुजाता, तेरे बेटे बहू लगे हुए हैं और ग्राहक भी तेरी बहू के हाथों का साउथ इंडियन 56 स्टाइल डोसा खा रहे हैं। अरे तू तो जानती है मेरे बेटे का काम छूट गया है, अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने भी कहा जब बहू के हाथों में कला है ही तो क्यों ना इसके लिए डोसे की दुकान ही खुलवा दें। अरे मैंने भी मजाक में क्या बोल दिया, ये सुजाता भी सीरियस हो गई। अब तो इसका बेटा भी काम धंधा छोड़कर डोसे की दुकान में लगा हुआ है। अब अगले ही दिन विमला तारा और कपिल के डोसा स्टॉल पर जाती है और तारा को नमक की थैली देती हुई कहती है कि ये उसकी सास ने भिजवाया है। तारा भी उसे ले लेती है और विमला वहाँ से चली जाती है। अब देर शाम होते होते तारा की दुकान पर शिकायतें आने लगती है। जी ये क्या कह रहे हैं लोग कि हमारे डोसे खाने से लोगों को लूज मोशन लग गए हैं, और ये तो अब तक कई लोगों ने शिकायत कर दी है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हमारे डोसे के कारण ये सब कैसे हो सकता है? कहीं किसी ने जानबूझ के ये सब तो नहीं किया? खाने में कुछ मिलाया तो नहीं है किसी ने? सब कुछ तो मैं बनाती हूँ और यहाँ तो हम दोनों के सिवा कोई तीसरा आया भी नहीं है। एक मिनट, विमला काकी मुझे एक नमक का पैकेट दे गई थी। जरा दिखाना वो नमक का पैकेट का है, मैं भी तो देखूँ इस विमला काकी ने क्या दिया तुम्हें जो तुमने नमक समझ के डाल दिया। कपिल जब उस नमक को देखता है तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही होती है। वो समझ जाता है कि विमला काकी ने ही नमक नहीं दिया है बल्कि जुलाब की गोलियों का पाउडर दिया है जिसे खाने के बाद ग्राहकों की शिकायतें आ रही थी। लेकिन उस दिन के बाद से तारा अपनी दुकान पर विमला काकी को आने ही नहीं देती। सरला के बेटे सुंदर ने हाल में ही अपने पसंद की लड़की से शादी की थी और सरला की बहू थी साउथ इंडियन। जितनी वो दिखने में सुंदर थी उतना ही स्वाद चंपा कली के खाने में था। अरे विमला, बहू के हाथों में तो क्या स्वाद है, खा कर ही मजा आ जाता है। अरे सच में जैसी तेरी बहू है उससे भी ज्यादा स्वाद तेरी बहू के खानों में है। हाँ हाँ, और होगा भी क्यों नहीं, आखिर बहू किसकी है। वैसे तुझे पता है जब मैं बहू को देखने गई थी पहले तो गुस्सा थी कि मेरा नालायक औलाद किससे शादी कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बहू चंपा काली को देखा तो मेरा गुस्सा शांत हो गया, और थोड़ा बहुत जो गुस्सा बचा था वो तब शांत हो गया जब बहू ने नींबू वाले चावल खिलाए। आय हाय क्या स्वाद आया था उसमें। अरे जिस नींबू के चावल की तू तारीफ कर रही है वो भी इतने दिनों से, वो मुझे कभी चखने को भी नहीं मिला। ये नहीं होता तुझे कि किसी दिन ही खट्टे चावल मेरे घर भी पहुंचा दे। अरे उसे खाने के बाद मुझे कुछ याद रहे तब तो मैं तेरे घर उसे भिजवा दूँ। खैर आज बहू नींबू वाले चावल बना रही है, खा कर ही जाइयो। अरे हाँ क्यों नहीं, वैसे भी बहू के हाथों के खाने की तारीफ तो हर कोई करता है। कुछ समय बाद ही सरला की बहू हॉल में आती है और वो अपनी सास के साथ पड़ोसन को बैठा हुआ देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी लेमन राइस बना दिया है मैंने, आपके लिए और आंटी जी के लिए ले आऊं। अरे बहू इसी के इंतजार में मैं बैठी हुई थी, ला जल्दी ला, मैं भी तो देखूं सरला को तेरे नींबू वाले चावल इतने क्यों पसंद आते हैं, बस वो उसकी तारीफ ही करती रहती है। अब चंपा कली भी अपनी सास के साथ साथ अपनी पड़ोसन विमला के लिए लेमन राइस लेकर आती है और दोनों ही बड़े चाव से लेमन राइस खाते हैं, और विमला तो दोबारा भी मांग लेती है और लेमन राइस खाने के बाद सरला की बहू से कहती है, अरे तूने तो साउथ की बहू लाकर ना सिर्फ घर का टेस्ट बल्कि खाने का भी टेस्ट बदल दिया। बहू क्या नींबू वाले चावल बनाए हैं तूने, ऐसा खाना तो मैंने आज तक भंडारे में भी नहीं खाया। अरे बहू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, इसका रोज का ही है, भंडारे की लाइन में भी सारा दिन गुजारना है। माँ जी अब और लेंगी क्या, थोड़े से और बचे हैं, थोड़े ही बनाए थे। नहीं बहू अब तू खा ले, और सुंदर आए तो उसके लिए भी बना दियो, ये नींबू वाले चावल उसे खूब पसंद है। विमला को सरला की बहू के हाथों के लेमन राइस खूब पसंद आते हैं और वो अपनी बहू को भी कहती है कि वो सरला की बहू की तरह ही लेमन राइस बनाया करे। लेकिन किसी को लेमन राइस बनाने नहीं आते थे, जिस वजह से विमला भी सरला के घर अब कुछ ज्यादा ही आने लगी थी, ताकि उसे सरला की बहू के हाथों का लेमन राइस खाने को मिल जाए। अरे सरला
तू तो खाना ऐसे छुपा रही है जैसे मैं तेरा खाना छीनने ही आई हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस प्लेट रखने जा रही थी। वैसे जब से तूने मेरी बहू के हाथ के लेमन राइस खाए हैं, तब से तू कुछ ज्यादा ही मेरे घर आने जाने लग गई है, क्या बात है? अरे अब मैं तुझसे मिलने नहीं आती तो तू कहती कि आजकल दिखती ही नहीं है और मिलने भी नहीं आती है, तो बस इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। अब तू कह रही है कि बहुत आना जाना करती है, तू बता तू चाहती क्या है, ना हो क्या तेरे घर? चल ये ले थोड़ा सा बचा है खा ले, और मैं अच्छे से जानती हूँ तो मेरे घर मेरी बहू के हाथों के बने लेमन राइस खाने ही आती है। माना कि तेरी बहू के हाथों का लेमन राइस बहुत पसंद है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे घर यही खाने खाने आऊँ। अरे आराम से खा, खा तो ऐसे रहिए जैसे तेरे घर वालों ने ना जाने कब से तुझे खाना ही नहीं दिया। सरला तुझे अब क्या बताऊँ, कल मेरी बहू से मेरा झगड़ा हो गया, वो भी इस बात को लेकर कि तू भी मेरे लिए ऐसे नींबू राइस बना, लेकिन मेरी बहू ने तो साफ साफ मना कर दिया। और पता है क्या कहती है, आपको तो मैं गर्म रोटी ना बना के दूं, तो ये लेमन राइस तो दूर की बात है। तू भी अपनी बहुओं को ये सब काम कह ही क्यों रही है, तू भी बिना बात मुद्दा बना रही है, जबकि 2-3 दिन से रोज तू मेरे घर से नींबू वाले चटपटे चावल खा कर जाती है। और तू उसके बदले में कितना सुनाती है, अरे ये भी तो देख तेरी बहू को कुछ कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही समय बीत रहा था। रोज ही जो भी बासी चावल बच रहे थे उसका चंपा कली लेमन राइस बना दिया करती थी, जिसे सरला तो बड़े चाव से खाती। साथ में चंपा कली का पति सुंदर भी अपने ऑफिस लेमन राइस लेकर जाया करता, जिसकी खूब तारीफ हुआ करती थी। एक रोज शाम के समय सभी हॉल में बैठे होते हैं। बहू जब से तू इस घर में आई है अपने साउथ का खाना खिला खिला कर तूने जीभ का स्वाद ही बदल दिया। कहां मैं उबली हुई सब्जी खाती थी और ये तो खाना छूता भी नहीं था। आज ये नहीं खाना, इसमें तेल है, डाइट पर हूँ, ऐसा बोल बोल कर ये सब खाना नहीं खाता था, लेकिन अब जब देखो खाता भी है और ऑफिस भी लेकर जाता है। माँ आपको पता नहीं है, मेरे ऑफिस में मेरे सारे दोस्त चंपा कली के हाथों के खाने के फैन बन चुके हैं, और जब भी मैं ऑफिस पहुँचता हूँ मुझसे मेरा खाना छीन कर खाने लग जाते हैं। और अपनी पड़ोसन विमला, वो तो रोज दो बार आती है यही नींबू वाले चावल खाने के लिए। बहू सच में तेरे हाथों में तो जादू है। सरला, सुंदर और विमला के साथ साथ सभी को चंपा कली के हाथों का लेमन राइस बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन अब सब इस बात से अनजान थे कि चंपा कली आखिर लेमन राइस बनाती कैसे है। एक रोज सरला के पेट में दर्द होता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं, और जब सरला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर चंपा कली से कहता है कि बासी खाना और ज्यादा खाना खाने से सरला को फूड पॉइजन हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया, लेकिन बहू तो सुबह शाम सिर्फ ताजे चावल के साथ नींबू वाले चावल बना देती है, क्यों बहू? माँ जी आज आप ये चावल मत खाइए, क्योंकि आपको दवा लेनी है और आपके लिए दवा जरूरी है, वरना आप ठीक नहीं होगी। अरे बहू, वो डॉक्टर ही मुझे पागल लग रहा था, मैं भला बासी खाना क्यों खाऊंगी, बल्कि तू तो मुझे हर वक्त खाना ताज़ा बनाकर खिलाती रहती है। हाँ माँ जी, अब आप दवा खाकर आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दूँ, दलिया या खिचड़ी? अरे नहीं बहू, मुझे तो वही चावल खाने हैं, इतने दिन से खा रही हूँ, लेकिन एक भी बार मन में ये नहीं आ रहा कि अब ना खाऊं। सरला की बहू अपनी सास को कुछ नहीं कहती है और वो किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी चंपा कली का फोन आता है और वो अपने कमरे में फोन पर बात करने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब सरला किसी काम से किचन में आती है तो वो देखकर हैरान थी कि उसकी बहू ने बहुत सारे चावल उबाल रखे हैं। ये चावल कम से कम 5 किलो से ज्यादा होंगे और इसने उबाल कर कपड़े में बांध रखे हैं। इसका मतलब कि वो डॉक्टर सही कह रहा था कि मुझे बासी खाने से उल्टियाँ लगी हैं। माँ जी आप किचन में, मुझे कह दिया होता क्या काम था। वो सब छोड़ और ये बता कि ये क्या है, तू नींबू वाले चावल कौन से चावल के बनाती आई है, ये उबले हुए 4 दिन पुराने चावल के। माँ जी अब तो आपको पता ही चल गया है कि ये चावल बासी है, लेकिन ये चावल कल उबले हैं और ये 2-3 दिन चलेंगे। सिर्फ मैं चावल में तड़का लगाती हूँ, राई, हींग, मूंगफली, काजू और लेमन का। बहू तू ये सब करती रही, लेकिन मुझे तुझ पर शक भी नहीं हुआ, और तो और तूने जो भी किया है सही नहीं किया, तेरे बासी चावल की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। माँ जी तो मैं क्या करती,
चावल बनाने में भी तो समय लगता है, और ये उबले हुए बासी चावल तो पता ही नहीं चलते हैं तड़का लगाने के बाद। सरला को अब जब पता चलता है कि उसकी बहू कैसे लेमन राइस बना रही है, वो लेमन राइस का नाम भी नहीं लेती, और तो और अगले महीने के राशन में वो चावल भी नहीं लाती। ना रहेगा चावल, ना बनेगा बासी चावलों का लेमन राइस। राजन और उसके घर वाले परेशान होकर वैशाली को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वैशाली उनको कहीं नहीं मिलती। राजन की माँ राजन से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, ये वक्त है इन सब बातों का, तो अब करे क्या, तू ही बता। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैशाली की बदनामी हो। ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। राजन और उसके घर वाले फिर से वैशाली को तलाशने में लग जाते हैं और जगह जगह तलाश करते हैं। राजन वैशाली को ढूंढते ढूंढते अपने बीते कल को याद करने लगता है। वैशाली और राजन दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वैशाली को कुरकुरे खाना बहुत ज्यादा पसंद था, कह सकते हैं कि वो कुरकुरे की दीवानी थी। राजन उसके लिए रोज रोज कुरकुरे लेकर आया करता। एक दिन गलती से राजन उसके लिए कुरकुरे लाना भूल गया, तो वैशाली राजन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा देखकर राजन उसे माफी मांगने लगता है। सुनो, आज एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। कैसी गलती? आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे लाना भूल गया, माफ कर दो मुझे। पता है मैं लेट हो गया था बहुत ज्यादा, तो जल्दबाजी में ला नहीं पाया। नहीं, मुझे नहीं सुनना, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। प्लीज ना यार, मैं अभी जाके कैंटीन से लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। अब राजन कॉलेज की कैंटीन से कुरकुरे लेने चला जाता है, लेकिन कैंटीन में जाकर उसे पता चलता है कि उसी दिन कुरकुरे खत्म हो गए और कुरकुरे कैंटीन में आने में 2 दिन लगेंगे। ये बात जानकर राजन बहुत टेंशन में आ जाता है और खुद से बोलता है, यार इन कुरकुरों को भी आज ही खत्म होना था क्या? अगर कुरकुरे लाके नहीं दिए वैशाली को, वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। राजन अपने आप को बचाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वैशाली उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, मेरे कुरकुरे कहाँ हैं? वो क्या बताऊँ तुमको मैं? जो सच है वो बताओ। देखो, तुम गुस्सा मत करना, लेकिन कुरकुरे खत्म हो गए कैंटीन में और अगली सप्लाई आने में 2 दिन लग जाएंगे। वैशाली राजन की बात को सुनकर बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। राजन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाने लगता है। वो अपनी क्लास में आ जाते हैं, तभी राजन वैशाली से बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे बिना कुछ कहे यहाँ क्यों आ गई? मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जाओ। जाओ मतलब? देखो, मुझे पढ़ाई करने दो, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। ठीक है। ऐसा कहकर राजन वैशाली के पास से चला जाता है और कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनके पास प्रोफेसर आ जाते हैं और उनके प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म करके उन सब से एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करते हैं और सबको पूछते हैं, लिसन एवरीबॉडी, आप लोगों में से कितने लोगों ने कुरकुरे खाया है? वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट एक साथ जवाब देते हुए बोलते हैं, हमने खाया है। सब स्टूडेंट की बात सुनकर प्रोफेसर उनको बताते हैं, लगता है आप सभी को कुरकुरे बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर एक स्टडी के दौरान ये बताया गया है कि कुरकुरे जिन चीजों से बनाया जाता है उनकी खेती अब हमारे देशों में कम हो गई है। इसकी वजह से अब कुरकुरे का उत्पादन काफी कम हो जाएगा और हो सकता है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स को झटका लगता है, लेकिन वैशाली तो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि कुरकुरे उसे बहुत पसंद थे, और वो खड़ी होकर अपने प्रोफेसर के पास चली जाती है और उनसे बोलती है, नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ना, ये कभी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, स्टडी कह रही है। आपकी स्टडी की तो ऐसी की तैसी, मेरे कुरकुरे को बंद करेगी? ये आप क्या कह रही हैं? और ये कौन सा तरीका है अपने प्रोफेसर से इस तरह से बात करने का? हालात को ऐसे बिगड़ते देखकर राजन वैशाली को चुप करवाने उसके पास आ जाता है और उसे चुप करवाने के बाद उसके बिहाफ पर प्रोफेसर से बोलता है, सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है और इसको कुरकुरे खाने का बहुत ही शौक है, और आज इसे मिला नहीं, और जैसे आपने कुरकुरे का नाम लिया ये थोड़ी सी इरिटेट हो गई, बस और कुछ नहीं। अभी तो मैं छोड़ देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। जी जी सर, आगे से ध्यान रखेगी। प्रोफेसर अब क्लास से बाहर चला जाता है। फिर राजन वैशाली को क्लास के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है, यार ये तुम क्या कर रही थी, सर से पंगे क्यों ले रही थी तुम? तुमने सुना नहीं वो क्या बोल रहे थे मेरे कुरकुरे को लेकर? तो उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं कहा था ना,
और ये बात तो मुझे आज ही पता चली कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। राजन और प्रोफेसर की बातें सुनकर वैशाली ज्यादा परेशान हो जाती है और ज्यादा सोचने के कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। राजन उसे जल्दी से मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जहां मौजूद डॉक्टर राजन से पूछती है, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, अभी कुछ समय पहले तो ठीक थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। थोड़ी देर तक वैशाली डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहती है। राजन को अब वैशाली को इस हाल में देखकर काफी चिंता हो रही थी और वो खुद से बोलता है, हे राम जी, ठीक कर दो उसे, कोई ज्यादा सीरियस बात ना हो। मुझे लगता है उसके ऊपर सर की बातों का गहरा असर हुआ है, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। और थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी थी ना। एक काम करता हूँ, जाके मैं कुरकुरे लेकर आता हूँ, तब तक वो होश में आ जाएगी और जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। राजन कॉलेज से बाहर वैशाली के लिए कुरकुरे लेने चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली को भी होश आने लगता है और वो डॉक्टर से बोलती है, मैम वो कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आई थी? वो तो आपको मेरे पास एडमिट करके यहाँ से चले गए। ओके मैम, क्या मैं जा सकती हूँ? जी अब आप जा सकती हैं, और मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, उन्हें टाइम पर लेते रहना। वैशाली मेडिकल रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर राजन को ढूंढने लगती है। वो उसको क्लासरूम में, कैंटीन में, पार्क में भी देखती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। वैशाली फिर से परेशान होने लगती है, राज तुम कहाँ चले गए? से इतना नाराज हो गई कि मेरा इंतजार करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। वैशाली पार्क में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजन कॉलेज वापस आ जाता है और सीधा मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सामने से डॉक्टर आ रही होती है। राजन उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर आप यहाँ पर हो तो वैशाली के पास कौन है? वैशाली तो चली गई, उसे होश आ गया था और वो पहले से भी काफी बेहतर लग रही थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? सॉरी पर मुझे नहीं पता। अच्छा वो कुछ पूछ रही थी क्या आपसे, मतलब मेरे बारे में? हाँ पूछ तो रही थी, पर तुम यहाँ पर थे नहीं तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम यहाँ से जा चुके हो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अब राजन वैशाली को पूरे कॉलेज में ढूंढता है, पर वैशाली उसे कहीं नजर नहीं आती। आखिर में वो उसे पार्क में बैठी हुई नजर आती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था, वैसे ये बताओ कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तुमसे मतलब? मुझसे नहीं तो किससे मतलब होगा? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना जब मैं बेहोश थी, फिर अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। राजन वैशाली के कहने पर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उसे कुरकुरे का पैकेट देकर चला जाता है। कुरकुरे को देखकर वैशाली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से राजन को पीछे से जाकर हक कर लेती है और उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए कुरकुरे लेकर आओगी। मैं बस इसीलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। अगर चला भी गया था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? जितना प्यार मैं इन कुरकुरों से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा तुमसे भी करती हूँ पागल कहीं के। और वैसे भी मैं इतनी कुरकुरी इनकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई हूँ। अच्छा जी। वैशाली को ढूंढते ढूंढते काफी रात बीत गई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो अब राजन भी पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है कि तभी सामने से एक लड़की शादी के जोड़े में भागती हुई उसी के पास आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वैशाली ही थी। वो राजन के पास आकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना, यहाँ से एक कुरकुरे की गाड़ी जा रही थी और तुम्हें तो पता है कि मुझे कुरकुरे कितने ज्यादा पसंद है, तो बस मैं उसके पीछे दौड़ गई और भागते भागते मैं शहर के बाहर चली गई, इसलिए लेट हो गया। सॉरी ना, तुम मुझसे नाराज तो मत होना। बिल्कुल भी नहीं, चलो अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। वैशाली भी बहुत खुश होती है, खासकर इस बात को लेकर कि उसे राजन जैसा हमसफर मिला जो इतना केयरिंग और सपोर्टिंग है। वो उसके साथ बहुत खुशी के साथ प्यार से रहती है। करुणा अपने बेटे विनोद के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन करुणा बाजार गई हुई थी, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन कांता आती है और करुणा को देखकर उससे बोलती है, करुणा बहन मैंने सुना है तुम अपने बेटे विनोद के लिए लड़की ढूंढ रही हो, एक बात कहूँ बुरा मत मानना। कहो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, आराम से कहो। अब अपने बेटे की बात करना शुरू ना कर दे बस। देखो करुणा बहन, हम दोनों पड़ोसन हैं और पता नहीं कितने सालों से हैं। मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल दे तो कितना अच्छा होगा। अरे सच मानो कांता बहन, सबसे पहले मेरे दिमाग में आपकी बेटी का ही ख्याल आया था। अच्छा
फिर आपने बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई? क्या मेरी बेटी दिखने में सुंदर नहीं है या कुछ कमी है मेरी कोमलिका में? अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत सुंदर लगती है कोमलिका। बस विनोद बोलने लगा कि कोमलिका के चेहरे में कुछ पिंपल हैं और मेरे विनोद का चेहरा बिल्कुल साफ है। ये क्या बात हुई, हर किसी को आते हैं पिंपल। तो वैसे भी ये सब के चक्कर में रहे तो शादी भूल ही जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बेटे के साथ, देख लेना, मेरे बेटे को बहुत खूबसूरत लड़की मिलेगी, एकदम हूर की परी के जैसे, एक भी दाना नहीं होगा उसके चेहरे पर। देखते हैं, हम भी यही हैं और तुम भी यही हो, जब तुम्हारी बहू आएगी हम देख लेंगे, अब हूर की परी आती है या परी के वेश में कोई और, देख लेंगे। विनोद की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, ये सारी डिमांड तो खुद करुणा की थी। करुणा अपने बेटे के लिए जैसी बहू ढूंढ रही थी, शायद ही उसे मिल पाए। ऐसे ही एक दिन विनोद रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ एक आनंदी नाम की लड़की अपने सर को झुकाए रो रही थी। तभी उसे देखकर विनोद उससे पूछता है, आप ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है अगर तो आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। जी हाँ, मुझे बहुत परेशानी है, आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे शायद, अगर कर सकते हैं तो मुझे कहीं भी एक जॉब दिलवा दीजिए। अरे आप जॉब के लिए रो रही हैं? मुझे लगा पता नहीं किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया शायद आपको, या फिर किसी ने छेड़ दिया हो। आप जॉब के लिए इतना क्यों रो रही हैं? मैं आपको अपने ऑफिस में काम दिलवाता हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अगर जॉब लगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैं आपको अपना नंबर दूँ? सच में आप मुझे जॉब देंगे? अगर ऐसा है तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए और मेरा नाम भी सेव कर लीजिए, अगर आपको जॉब की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। आपने आपका क्या नाम बताया, वो क्या है ना, फोन नंबर सेव करना था आपके नाम से, बस इसीलिए पूछ रहा था मैं तो। अरे तो आप इतना डर क्यों रहे हो मुझसे, मुझे भी पता है जब नंबर लिया है तो नाम भी जरूरी है पागल। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा था कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें इसलिए, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा समझदार निकली। आपको क्या लगता है मैं दूसरों की तरह ड्रामे करूंगी? अरे नहीं जी, मुझसे नहीं होते ड्रामे, भले मैं मुंह पर बोल देती हूँ लेकिन ड्रामे ना बाबा ना। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अगर बुरा लगे तो पहले ही माफी मांग लेता हूँ आपसे, आपके चेहरे में इतने सारे पिंपल कैसे हुए और आप इन्हें कम क्यों नहीं करती? मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है, अगर कोई भी मुझे पसंद करेगा तो ऐसे ही करे, वरना ना ही करे मुझे कोई परेशानी नहीं है, जिसको मुझसे शादी करनी होगी मेरे इसी रूप से करे बस। वाह, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, आजकल की दुनिया में हर कोई मेकअप करता है और खुद को सुंदर बनाना चाहता है। दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर बदलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन करुणा अपने बेटे विनोद से बोलती है, विनोद मैं चाहती हूँ तुम अब शादी कर लो, सबकी बहू आ गई है, बस मेरी ही किस्मत में बहू का सुख नहीं लिखा शायद। माँ, शादी के लिए लड़की भी तो होना जरूरी है ना, और वैसे भी मैं किसी भी लड़की से शादी थोड़ी ना कर सकता हूँ, ये तो मेरी पूरी जिंदगी की बात है, ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूँ। हेलो आनंदी जी, क्या हाल चाल है आपके, आपको कोई जॉब मिली या नहीं? वैसे मैं एक बात बता दूँ, मेरे ऑफिस में कल आ जाना, आपकी जॉब की बात कर रखी है मैंने। मेरी बात सुन ले पहले, जब भी मैं तेरी शादी की बात करती हूँ तब तब तू ऐसे बात को टाल देता है, इधर उधर की बातें भी करने लगता है, सुन भी रहा है या नहीं? आनंदी जी मैं आपको कुछ देर बाद फोन करता हूँ, वो क्या है ना, मेरी माँ को मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, अगर मैंने इनकी बात नहीं सुनी तो शायद मेरी माँ मुझसे गुस्सा भी हो जाएंगी। सुनना विनोद, अभी तो जिस लड़की से बात कर रहा था क्या ये खूबसूरत है, अगर तुझे लड़की पसंद है तो शादी कर ले, मैं कुछ नहीं कहूँगी, तू बस मुझे सास बनने का सुख दे दे। हाँ माँ, खूबसूरत तो बहुत है, और पता है मुझे आनंदी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर गर्व भी बहुत हुआ, अगर आपकी मर्जी है तो क्या मैं आनंदी से शादी कर सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, निकी और पूछ पूछ, चट मांगनी और पट ब्याह करवाऊंगी तेरा,
करुणा अब अपने बेटे की शादी के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ विनोद ने आनंदी को भी शादी के लिए मना लिया। करुणा अपनी बहू के बारे में रोज सोचती और मन ही मन मुस्कुराती। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब विनोद और आनंदी की शादी हो जाती है, गृह प्रवेश भी हो जाता है। अगली सुबह आनंदी उठकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है, तभी वहाँ करुणा उसे देखकर बोलती है, तुम कौन हो? मेरी बहू तुम जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती, कहीं तुमने मेरी बहू का अपहरण तो नहीं कर लिया? अगर ऐसा है तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? माँ जी, मैं ही हूँ आपकी बहू आनंदी, जिसको कल विनोद जी ब्याह कर लाए। और हाँ, आपको बता दे, कल मेरे चेहरे पे मेकअप पोता गया था, इसलिए सुंदर लग रही थी और इसीलिए आज आप मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे तो लगता था कि मेरी बहू इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन इस विनोद ने तो मेरा पूरा सपना ही तोड़ दिया। अब मैं किस पर घमंड करूंगी? अरे, तुम जैसे ही लड़की मेरे विनोद जैसे बेटे को फंसाती है। अरे, मैं क्यों फंसाने लगी भला आपके बेटे को? ये खुद मेरे पास आया था मुझसे बात करने, और मेरे चेहरे पर उसी वक्त से पिंपल थे, और मैंने कभी इनको कुछ बोला ही नहीं और न ही फंसाने की कोशिश की। अब मैं क्या बोलूंगी? विनोद की बुआ को कैसे समझाऊंगी कि यही है जिसके फेस पर पिंपल है, यही मेरी बहू है? पता नहीं मेरा कितना मजाक बनेगा। आज तो मुझे मेरी पड़ोसन भी कुछ कह देगी। क्यों, पड़ोसन आपको क्यों कुछ कहेंगी? वैसे भी पड़ोसन को कुछ कहने का कोई हक नहीं है, मैं बताती हूँ उसको। और रही बुआ सास जी की बात, तो उन्हें आप संभाल लेना। बात तो पहले मैंने ही छेड़ी थी कि तेरी बेटी के चेहरे पर पिंपल है, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। उसके एक पिंपल के चक्कर में मैंने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया, और अब मुझे पिंपल वाली बहू मिल गई। करुणा अपनी बहू को बातें सुना ही रही थी कि तभी वहाँ विनोद की बुआ जानकी आती है और करुणा को देखकर बोलती है, क्या बात है करुणा, तेरी बहू के चेहरे पर कितने पिंपल है, तू अपनी बहू को देखकर नहीं लाई क्या? और आज तेरी बहू की पहली रसोई है, और क्या बनाएगी तेरी पिंपल वाली बहू पहली रसोई में? देखिए बुआ जी, मैं मानती हूँ मेरे चेहरे पर पिंपल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मेरा दिल, मेरा मन आप लोगों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बड़े आई किसी का भी मजाक उड़ाने वाले। ये कैसी बात कर रही है बहू? ये विनोद की बुआ है, चेहरा अच्छा नहीं है, कम से कम जुबान तो अच्छी रख ले, तमीज नहीं है क्या तुझमें जरा भी? बदतमीज नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छी है बहू तेरी, मैं पहले से जानती हूँ तुम्हारी बहू को। शायद तुम्हें पता नहीं है इस बात का, तुम्हारी बातों की वजह से ही तुम्हारे बेटे ने इस लड़की से शादी की है। क्या बकवास कर रही है, मेरा बेटा पिंपल वाली बहू नहीं लेकर आ सकता। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, जैसी भी हो लेकिन तुम्हारी बहू दिल की बहुत अच्छी है, सूरत से भी अच्छी है, बस कुछ पिंपल है लेकिन तुम्हारी बहू के चेहरे पर। करुणा कांता की बात सुनकर हैरान थी। सभी के समझाने के बाद करुणा अपनी पिंपल वाली बहू की पहली रसोई पूरी करवाती है। आखिरकार इतना कुछ होने के बाद सब कुछ ठीक हो ही गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब पिंपल वाली बहू हर दिन अपनी रसोई पूरी करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।